भारतीय टीम ने हाल ही में एशिया कप 2023 खिताब अपने नाम किया। इसके बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में यह भारतीय टीम अब आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 खिताब के मिशन पर है। यह वर्ल्ड कप भारत में ही खेला जा रहा है, साथ में भारतीय टीम ने अब तक अपनी शुरुआती तीनों मुकाबले जीत लिए हैं। इस दौरान भारतीय टीम ने अपना तीसरा मुकाबला अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जिसमें 7 विकेट से जीत दर्ज की। इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम कहीं भी टक्कर देती नजर नहीं आई। इस करारी हार के बाद पाकिस्तान टीम को अपने ही देश में आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, मगर इन सब के बीच एक खास बात ये रही कि अभी भी क्रिकेट फैंस के बीच भारत पाकिस्तान मैच का रोमांस कम नहीं हुआ है। अभी भी दोनों देशों के ज़्यादातर ऐसे फैंस हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज की मांग करते हैं, मगर दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के चलते फिलहाल ऐसा संभव होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि फैंस को बता दें कि यदि एक नज़रिए से देखा जाए तो पिछले 43 दिनों में यानी 2 सितंबर से 14 अक्टूबर तक के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज हो चुकी है। दरअसल पिछले 2 मुकाबले सितंबर में एशिया कप के तहत खेले गए थे, इसमें से 1 मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, मगर दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने 228 रनों से बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। इसके बीच 33 दिन बाद तीसरा मैच वर्ल्ड कप के तहत अहमदाबाद में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। इस तरह इन पिछले 3 मुकाबलों में से भारत ने 2 जीते और 1 मैच रद्द हुआ। इस दौरान पाकिस्तान की हालत खराब ही नजर आई। अब भारत पाकिस्तान के बीच चौथे मैच की तैयारी। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरी बार टक्कर देखने को मिल सकती है। यदि ऐसा होता है तो सितंबर के बाद से दोनों टीमों के बीच एक चौथा वनडे मैच होगा। दरअसल वनडे वर्ल्ड कप में सभी 10 टीमों को 9-9 मुकाबले खेलने हैं। भारतीय टीम ने अपने शुरुआती 3 मैच जीत लिए हैं, जबकि पाकिस्तान ने 3 में से 2 मैच जीते हैं। भारतीय टीम के पॉइंट टेबल में टॉप पर रहते हुए वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में एंट्री करने की संभावना बेहद ज़्यादा है। यदि पाकिस्तान टीम 4th नंबर पर रहते हुए क्वालिफाई करती है तो सेमीफाइनल में एक बार फिर भारत पाकिस्तान मुकाबला देखने को मिल सकता है। यह पहला सेमीफाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा, या फिर फाइनल में टकरा सकती है दोनों टीमें। यदि दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंचती है और वहां अलग अलग टीमों से भिड़ती है तब फाइनल में टकराने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके लिए भारत और पाकिस्तान को अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीतने होंगे। फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। धन्यवाद।